इंजिन का, मैं 3 दिन में, अभी आज मैं यहां से फिर नागपुर जाऊंगा, सोमवार को आऊंगा, मैं बुधवार के अंदर उस ऑर्डर पर साइन कर रहा हूं कि 6 महीने के अंदर ब्रेकिंग न्यूज इस देश का, हाँ बिल्कुल, हर पेट्रोल इंजिन, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, ये फ्लेक्स इंजिन होगा। अभी फ्लेक्स इंजिन का मतलब यह है, जो ब्राजील, यूएसए और कनाडा में है, उसका मतलब यह है कि तुम 100% पेट्रोल डाल सकते हैं या 100% बायो इथेनॉल डाल सकते हैं। इथेनॉल का भाव आएगा 60 रुपए, 61 रुपए, 62 रुपए लीटर, और पेट्रोल का 120 रुपए, तो उसकी कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है, फिर भी 30-35 रुपए लीटर बचत है और नो पोल्यूशन नहीं के बराबर। और इसमें भी टेक्नोलॉजी जो अभी आ रही है कि इथेनॉल और पेट्रोल में 100% इथेनॉल डालेगा, और उसमें जो एक टोयोटो की कैमरी करके गाड़ी थी, हाँ, एक गाड़ी है, जिसमें 40% इलेक्ट्रिसिटी थी, तो ये फ्लेक्स इंजन विथ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपकी कॉस्ट इतनी कम होगी। और इस बार देश की में, मैं आपको बताता हूँ, मुझे अन्यथा मत लो इसको, नहीं, और मैं चाहता हूँ कि ये पेट्रोल और डीजल के पंप बंद हो जाए, और आज बंद हो जाए। हाँ बिल्कुल, अब आज मेरी बात को आप, आज मेरी बात को देखो, एक तो मैं जो जो बड़े बड़े लोग नाराज हो रहे होंगे अभी आपके ये देखिए, इस देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता होगा। हमारे साहब बैठे, ये पूरा वेस्टर्न यूपी, बिल्कुल शुगर बेल्ट, ये पूरा इथेनॉल तैयार होगा, वही जाएगा, उसी पे उसी से पूरी बसेस चलेगी। बस तो अभी टाइम लगेगा क्योंकि उसका नहीं है, पर 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर चलेंगे। और कल मेरे पास राजीव बजाज आए थे, बजाज के, और पुणे में प्रधानमंत्री जी ने 3 इथेनॉल के पंप इनॉग्रेट किए।